लुधियाना के विश्वकर्मा चौक से दरगाह बांडबट बाबा फौजी की सालाना जोड़ मेला बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि ये मेला 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चला और इसके अंतिम दिन सूफी गायकों व नेताओं ने हाजी लगाकर बाबा जी का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता कुलवंत सिंह सिद्धू ने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम कराने चाहिए ताकि नौजवान पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने प्रबंधक कमेटी में आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद भी किया। अज बाबा खुशा सरकार की याद में बाबा भुपिंदर सिंह की अगुवाई में अज विश्वकर्मा चौंक विखे जिहड़ा पीरां दा सलाना मेला कराया जा रहा है। इस आगमन पुरब की इस मुबारक मौके की बाबा जी ने समुची संगत को बहुत बहुत बधाई दिना ते परमात्मा के चरणे अरदास करदा कि बाबा जी ने दिन दुखनी रात चौकनी तरक्की बख्शन चंगी सेहत देण तां जो इसे तरह जिहड़े दीन दुखियां दी हर साल की तरह इस साल भी मेला बड़ी धूमधाम मनाया जा रहा है। यह 3 दिन का मेला होता है। पहले दिन अखंड पाठ श्री आरंभ होता है और तीसरे दिन भोग पैंदा है। दूसरे और तीसरे दिन महफिल कवाल होती है जिस विच पंजाबी सिंगर अते कलाकार पहुँचते हैं। संगतां हुम हुम आ के पंडाल विच पहुँचदियां हन, दरबार से मत्था टेकदियां हन अते अपनी मनोकामना पूरियां करदियां हन, जिन्हां नाल सारी संगत खुश हो जाती है। जय मस्तानी। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुंदर उड़ा की रिपोर्ट।